प्यारे बच्चों, हमने कुछ दिन पहले घंटा मिनट सेकंड के बताए थे मल्टीप्लाई, क्योंकि बच्चों ने कहा था असल जी हमको घंटा मिनट सेकंड के प्लस माइनस तो आते हैं, जो उठाव तो आते हैं, लेकिन गुणा और भाग नहीं आते। तो हमने मल्टीप्लाई के क्वेश्चन आवर मिनट सेकंड के बता दिए, बच्चों को समझ में आ गया। अब हम बता रहे हैं आवर मिनट सेकंड के डिवाइड कैसे करेंगे। घंटा मिनट सेकंड के डिवाइड, ठीक है, इसको बता रहे हैं कैसे करेंगे। देखो संख्या लिख रहा हूं मैं, संख्या है हमारी, यहां मैंने लिख लिया आवर, यहां लिख लिया मिनट, यहां लिख लिया सेकंड, कितना है 24 आवर 13 मिनट और 13 सेकंड। हमें इसको डिवाइड करना है 5 से, ठीक है, कैसे करेंगे। सबसे पहले जैसे हम जनरली करते थे उसी तरीके से 5 से करेंगे 25 को डिवाइड, 5 से 5 से 20 को अगर करेंगे जब इसको भाग, तो 4 5 20, 4 5 6 20, 4 गया घटाया हमने 4 बचा। ये 4 क्या है, घंटा है ना, ये 4 क्या है, शेष बचा घंटा है, आगे मिनट है, तो हम इस घंटे को चेंज करेंगे पहले मिनट में, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 आवर इक्वल टू होता है हमारा 60 मिनट, तो इसमें 60 हो गया मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 240, और 240 में हम इसको 30 इंटू ये मिनट हो गया हमारा, क्या हो गया मिनट बन गया। देखो और इस मिनट में हम प्लस करेंगे 13 मिनट जो पहले से दे रखी है, कितना हो जाएगा ये, ये हो जाएगा हमारा 3 और 4 5 और 2, ये हो गया 253, फिर हो गया क्या लिख देंगे आवर, और इसको फिर द्वारा हम करेंगे डिवाइड, जिससे ये हो गया हमारा मिनट, इसको डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो 5 5 25, 5 25, 0 बचा, आगे से 3 उतारा भाग नहीं गया तो 0 डवा दी, और ये ऐसे रहा, तो ये जो हो गया ये तो हो गया हमारा मिनट, और ये हमारा मिनट हो गया, क्या हो गया, ये भी मिनट है और ये भी मिनट है, यहां ये आवर था और ये जो सेकंड रहा ये भी आवर था, तो हम इसको लिख देंगे यहां 50 मिनट को, यहां लिख देंगे 50 मिनट को हमने यहां लिख दिया। अब ये जो मिनट बना, अब ये हमारा सेकंड है, तो इस मिनट को चेंज करेंगे हम सेकंड में, कैसे, 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड, होता है ना, क्या हमने 60 का हमने कितना हो जाएगा 180 प्लस, ये क्या हो गया हमारा सेकंड बन गया, पहले से सेकंड हमारा 30 ये है, यहां 30 पहले से ही है सेकंड, तो प्लस किया हमने क्या हो गया, ये हो गया 0 1 2 210, ये हो गया सेकंड। अब इसको हम डिवाइड करेंगे इससे 5 से, क्या हो जाएगा 5 4 20 1 0 5 2 10, रैंडम 0 आया, ये हो गया हमारा सेकंड, क्या लिख देंगे 42 सेकंड, 42 सेकंड, ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर हो गया, ऐसे नहीं आया, रिपीट कर रहा हूं इसको। हमें डिवाइड करना है घंटा मिनट सेकंड आवर मिनट सेकंड में 24 आवर 13 मिनट और 30 सेकंड में डिवाइड करना है 5 से, तो पहले सबसे पहले हम 24 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 का भाग कर 5 का भाग कर 24 में कितना जाएगा 5 24 4 बचा
ये घंटा हो गया, ये भी घंटा हो गया, ये तो यहाँ घंटा लिख दिया हमने, आवर लिख दिया, ये हमारा आवर है, आवे मिनट है। तो जो आवे संख्या है उसको हमें देखना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, आवर और मिनट में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। संबंध होता हमारा 1 आवर = 60 मिनट। जो रिलेशन होता है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे जो रिमाइंडर आया उसमें, ठीक है। ये आ गया हमारा 240 मिनट, लेकिन पहले से हमें मिनट दे रखा है 13, तो ये जो मिनट आई इस मिनट में इस वाली मिनट को प्लस कर देंगे तो ये आया हमारा 253 मिनट हो गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे इसी 5 से, ये हो गया 50 टाइम और 3 हमारा रिमाइंडर आया, तो जो रिमाइंडर आ गया ये भी मिनट हो गया और ये जो आ गया ये भी मिनट हो गया, ये भी मिनट है, ये भी मिनट है। तो इसी को बाहर जितना भाग जितनी बार भाग गया उसको तो हमने यहाँ लिख दिया, तो जो रिमाइंडर आया हम उसको देखेंगे इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, मतलब मिनट में और सेकंड में क्या रिलेशन है। तो 1 मिनट = 60 सेकंड होता है, तो हमने इस 3 मिनट में 60 से क्या मल्टीप्लाई, हमने इसको चेंज कर लिया सेकंड में, ये जो सेकंड दे रखी हमने पहले से ही इसको हमने इसमें प्लस कर दिया, तो यह 210 और 210 सेकंड हो गया। इस सेकंड को हमने डिवाइड किया 5 से ही तो हो गया 42 और 0, तो यह हो गया हमारा 42 सेकंड। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा समझना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आवर मिनट और सेकंड। आवर कितना है हमारा 76 और मिनट है हमारा 2 और सेकंड है हमारा 15, ठीक है। इसको हमें डिवाइड करना है 6 से 76 2 और 18 डिवाइड करना है 6 से। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम 6 से डिवाइड करेंगे 76 को, तो 6 × 6 1 और 6 ले लिया और 6 × 12 6 × 18 याद हो जाएगा, 6 × 12 क्या आया 4, ये आवर हो गया और ये हमारा आवर, ये भी आवर हो गया। आगे मिनट है तो 1 आवर = 60 मिनट, इसमें करेंगे 60 का क्या हो जाएगा 240, ये क्या हो गया हमारा मिनट बन गया। और इस मिनट में हम प्लस करेंगे ये वाला जो मिनट आगे वाला इसको, क्या हो जाएगा 242 मिनट हो गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे हम इसे 6 से, क्या हो जाएगा 6 × 4 = 24 0 बचा आगे से 2 और 6 मिल जाएगा 0 लग गई, तो ये हमारा मिनट हो गया और ये भी हमारा मिनट हो गया। तो इसको हमने यहां लिख दिया और ये हमारा मिनट है। अब इस मिनट को चेंज किया हमने, अभी सेकंड है सेकंड में, तो 1 मिनट = 60 सेकंड, तो हमने इसमें डिवाइड किया 60 से, क्या हो गया 120 प्लस किया हमने 18, कितना हो गया हमारा, ये हो गया पूरा सेकंड, क्या बन गया सेकंड, क्या हो जाएगा 18 + 8 = 3 और 1 ये हमारा सेकंड हो गया। मैं डिवाइड करना है 6 से, 6 से डिवाइड किया 6 × 12 = 1 8 और 6 × 18 0 हो गया, तो वह 23 सेकंड 23 सेकंड, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और लास्ट, इनकी प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन हमारा थर्ड, आवर मिनट और सेकंड। हमारा आवर है 71 और मिनट है हमारा 2 और सेकंड हमारा 16, डिवाइड करना है 8 से, किसे करना है 71, 2 और 16 डिवाइड करना है 8 से। कैसे करेंगे देखो, 8 से डिवाइड करेंगे हम पहले 71 को
तो 8 9 72 ज्यादा होगा, 8 8 64 माइनस करेंगे कितना आया 7। तो ये आवर हो गया और इधर ये भी आवर हो गया, ठीक है। आगे है हमारा मिनट, तो आवर को चेंज करेंगे हम मिनट में, मतलब 7 में करेंगे मल्टीप्लाई 60 से, तो ज्यादा 42 ये मिनट बन गया, ये मिनट बन गया। और इसमें प्लस करेंगे हम ये 2 मिनट, कितना हो जाएगा 422 मिनट हो गया। अब इसमें डिवाइड करेंगे इसी 8 से, 8 5 40 2 अब इसे 2 द्वारा और 8 3 24 ज्यादा हो गया, 8 2 16 और 6 आया, ये तो हो गया हमारा मिनट, तो हमने मिनट में डाल दिया था, ये तो मिनट हो गया और ये भी हमारा मिनट हो गया, ये बन रहा है, ये भी हमारा मिनट है। तो इसको तो हमने लिख दिया यहाँ 52 मिनट, और इस मिनट को फिर आगे वाला सेकंड है, इस मिनट को चेंज करेंगे हम सेकंड में, क्या करेंगे 6 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से, क्योंकि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, क्या हो जाएगा 360 हो गया सेकंड, इसमें प्लस करेंगे हम 16 को, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6 और 6 1 7 और 3 ये हो गया हमारा सेकंड, ठीक है। और 376 में, 376 में हम डिवाइड करेंगे इसी 8 से, क्या हो जाएगा 8 4 32 क्या आया 5 6 और 8 7 56 ठीक है, हो गया हमारा सेकंड, या 0 0 हो जा तो ये हो गया 47 हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी समय नहीं आया हो तो मेरे से द्वारा कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हो, मैं उसको रिपीट कर दूंगा, ठीक है। मुझे ऐसे उम्मीद है मुझे समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं।